वेलकम टू माय चैनल। यह आर्डिनो सीरीज का फोर्थ पार्ट है। इस पार्ट में हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, साथ ही एक एलईडी ब्लिंक का प्रोग्राम भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें जनरली तीन सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला डिफाइन सेक्शन, दूसरा वाइड सेटअप, तीसरा वाइड लूप सेक्शन। जिसमें डिफाइन सेक्शन में यह बताना होता है कि हम कौन कौन सा पिन यूज करने वाले हैं। जैसे आपको पता है आर्डिनो यूनो में 13 डिजिटल और 6 एनालॉग पिन्स होते हैं। इन पिन्स में कौन सा पिन यूज करने वाले हैं उसे हम डिफाइन करते हैं, जिसे इस तरह डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैज डिफाइन एलईडी 13। यहाँ पर 13 पिन को यूज करने वाले हैं, जिसे एलईडी वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। इस तरीके से डिफाइंड में हमें जो भी पिन को यूज करना है उसको हमको यहाँ पर बताना होता है। अब वाइड सेटअप में देखते हैं इसमें क्या लिखना होता है। इस सेक्शन में हमें बताना होता है कि जिस पिन को यूज करने वाले हैं वह आउटपुट पिन है या इनपुट पिन है। इसका मतलब यह है कि हम पिन को आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं या फिर इनपुट की तरह। इसको देने के लिए हमें इस कमांड की जरूरत पड़ती है, पिन मोड 13 आउटपुट। मतलब पिन मोड एक कमांड है और 13 हमारा पिन है आर्डिनो बोर्ड का, और उसे हमें आउटपुट दिया है। मतलब 13 पिन को आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। अगर इसे इनपुट की तरह यूज किया करेंगे तो हमें देना होगा पिन मोड 13 इनपुट। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है वाइड सेटअप की, इसमें जो भी स्टेटमेंट होगा वह केवल एक बार ही रन होगा पूरे प्रोग्राम में। अब आते हैं वाइड लूप सेक्शन में। यह प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जो भी आपका वर्क होगा या आप जो करना चाहते हैं उसका लॉजिक इस सेक्शन में रहता है। जैसे हम एक एलईडी को ब्लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए उसे ऑफ होगा फिर ऑन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एलईडी 2 सेकेंड ऑफ होगा और 2 सेकेंड ऑन होगा, यह प्रोग्राम चलता रहेगा तो आपका लाइट ब्लिंक करते रहेगा, ठीक है। इसमें इस तरह का स्टेटमेंट लॉजिक होगा जो बार बार रन होगा आपके प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कमांड है डिजिटल राइट एलईडी हाई। यहाँ पर डिजिटल राइट एक कमांड है और एलईडी जो आपका पिन नंबर 13 है उसको हाई पल्स जा रहा है। हाई पल्स मतलब 5 वोल्ट सप्लाई होगा। इसका मतलब है आपका एलईडी ऑन रहेगा। अगर एलईडी को ऑफ करना है तो आप फिर से कमांड देंगे डिजिटल राइट एलईडी लो, मतलब उसको लो पल्स जाएगा एलईडी को, मतलब आप 0 वोल्ट सप्लाई होगा तो आपका एलईडी ऑफ होगा। इसी तरह जो आपका प्रोग्राम है वो कंटिन्यूसली रन होते रहेगा। इसीलिए जो भी वर्क है जो कंटिन्यूसली रिपीटेड होता है वो इस वॉइड लूप में आता है। एक्चुअल प्रोग्राम देखने से पहले मैं आपको एलईडी के बारे में बता देता हूँ जो आर्डिनो बोर्ड में इनबिल्ट रहता है। यहाँ पर एक पिन नंबर 13 से एक एलईडी इनबिल्ट जुड़ा होता है, उसी को हम ब्लिंक करके देखेंगे। तो चलिए मैं आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने पीसी से। ये जो कंटिन्यूसली लाइट ऑन है ये आपका पावर का है, पावर सप्लाई इसमें 5 वोल्ट कंटिन्यूसली हो रहा है उसका है। आपका जो एलईडी पिन है वो यहाँ पर है जो कंटिन्यूसली ये भी चल रहा है, इसको हमको ब्लिंक करना है। तो इसके लिए कमांड लिख लेते हैं। सबसे पहले आर्डिनो आईडी को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आप पहला एक काम कीजिए, आप टूल में जाके आपके पोर्ट को चेक कीजिए। पोर्ट में यहाँ पर राइट क्लिक होना चाहिए COM5 में, COM3 भी हो सकता है, COM4 भी हो सकता है, ये आपके USB पोर्ट के जो कंप्यूटर है उसका USB पोर्ट पर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पर राइट क्लिक होना चाहिए और आर्डिनो बोर्ड को भी चेक कर लीजिए। आप जो भी आर्डिनो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें क्लिक होना चाहिए। चेक करने के बाद अब आप इसमें अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए # डिफाइन एलईडी 13। आपने एक एलईडी वेरिएबल डिफाइन किया है पिन नंबर 13 के लिए,
उसके बाद वॉइड सेटअप, वॉइड सेटअप कर्ली ब्रैकेट इन मोड 13 आउटपुट। वाइट सेटअप में क्या करते हैं, आपने जो पिन लिया है हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि वो इनपुट है या आउटपुट है। हमने यहाँ पर पिन मोड कमांड से जो पिन नंबर 13 है उसको आउटपुट डिक्लेयर किया है। ये जो पिन मोड का कमांड है ये आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पर जो एम है मोड में वो स्मॉल आप नहीं लिख सकते। देन उसके बाद आपका वॉइड लूप, वॉइड लूप ब्रैकेट, इसमें इसमें क्या करते हैं, जो आपका जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता है, तो हमको एलईडी को ऑन ऑफ करना है कंटिन्यूअसली, ऑन ऑफ फिर ऑन एंड ऑफ। उसके लिए कमांड है डिजिटल राइट, डिजिटल डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई। आपका जो एलईडी है पिन नंबर 13 उसको हाई पल्स जाएगा, मतलब आपका जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम उसको कितना टाइम तक उसको ऑन रखना चाहते हैं, तो डिले 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए वो ऑन रहेगा, देन उसके बाद ऑफ होगा। तो अगेन डिजिटल, यहाँ पर जो डिजिटल यूज कर रहे हैं हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिजिटल पिन को यूज कर रहे हैं, अगर एनालॉग पिन को यूज करते हैं तो एनालॉग रहता, उसका कमांड अलग है एलईडी लो। तो 1 सेकेंड के बाद वो उसमें 0 वोल्ट जाएगा। देन डिले कितने समय तक वो बंद रहेगा, 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। जो ब्रैकेट में दे रहे हैं डिले कॉमा वो मिली सेकेंड है, तो 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये आपका जो कोड रेडी है, देख लेते हैं एक बार। डिफाइन हमने किया, एलईडी वेरिएबल लिया, 13 पिन को यूज कर रहे हैं, अब उस पिन को वॉइड सेटअप में आउटपुट डिक्लेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद जो वॉइड लूप है डिजिटल राइट कमांड से हम उसको जो एलईडी पिन है आपका पिन नंबर 13 उसको हाई पल्स दे रहे हैं, मतलब 5 वोल्ट दे रहे हैं। देन वो 5 वोल्ट कब तक सप्लाई होगा, 1 सेकेंड तक। देन उसके बाद वो उसमें 0 वोल्ट सप्लाई होगा तो वो ऑफ हो जाएगा। कितने सेकेंड तक ऑफ रहेगा, 1 सेकेंड तक। तो ये कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा। अब इसको हम अपने अब उसको कंपाइल कर लेते हैं। पहले कंपाइल में क्या करता है कि वो आपको कोड को चेक करता है कि वो सही है कि नहीं। डन कंपाइलिंग, मतलब कंपाइलिंग हो चुका है, आप अपलोड कर लेते हैं। अपलोड का मतलब क्या है, आपका जो प्रोग्राम है वो आपके आर्डिनो बोर्ड में, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें अपलोड हो रहा है। डन अपलोडिंग। तो आप देख सकते हो जो एलईडी पिन है पिन नंबर 13 के पास वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक हो रहा है, 1 सेकेंड ऑन रहेगा और 1 सेकेंड ऑफ रहेगा। आप देख सकते हैं कि आपका जो एलईडी है वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक हो रहा है, 1 सेकेंड ऑन रहेगा और 1 सेकेंड ऑफ रहेगा। तो ये वॉइड लूप में आपने जो भी कमांड दिया वो कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कौन कौन से कमांड यूज़ किए हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पिन मोड कमांड, दूसरा डिजिटल राइट कमांड, तीसरा डिले कमांड। तो यहाँ पर 3 कमांड आपको देखने के लिए मिलता है। तो पिन मोड कमांड और डिजिटल राइट कमांड ये दोनों पिन के लिए डिफाइंड है, और डिले कमांड टाइमिंग के लिए डिफाइंड है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कब कौन कौन सा कमांड कहाँ पर यूज करना है, उसके लिए अगर आपको कमांड के बारे में जानना है तो यहाँ पर एक हेल्प बटन है, उसमें रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस जाने के बाद आपको पता चलेगा कि जितने भी आर्डिनो में कमांड यूज होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देख लेते हैं हेल्प में। आप अब जब रेफरेंस में जाते हैं
तो यहाँ पर जितने भी आपने वेरिएबल्स यूज किए हैं या फिर कमांड यूज किए हैं वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 3 कमांड यूज किए थे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फंक्शंस में डिजिटल इनपुट आउटपुट। तो जो भी डिजिटल पिन्स है, हमारे 13 डिजिटल पिन्स है, उसके लिए जो कमांड यूज होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे पिन मोड है, डिजिटल राइट, ये दोनों आपने यूज किया है। एक और होगा डिजिटल रीड। तो पिन को यूज करने के लिए 3 ही कमांड है और कोई कमांड नहीं है, 3 ही कमांड है, ठीक है। और टाइमिंग के लिए हम यूज किए थे डिले कमांड। तो डिले के लिए देख सकते हैं टाइम यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलीज भी है, माइक्रोज, डिलेज एंड डिले माइक्रोसेकंड। जैसे आपके बारे में, आपको जैसे डिले के बारे में जानना है तो इसमें सिंपली क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर चल जाएगा आपको डिले ब्रैकेट। तो डिले ब्रैकेट एमएस, तो एमएस का मतलब है यहाँ पर मिली सेकेंड। तो यहाँ पर एमएस में क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ मिली सेकेंड टू पॉज, मतलब आप कितने मिली सेकेंड तक उसको पॉज करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो हमने यूज किया था 100 मिली सेकेंड, तो 100 मिली सेकेंड मीन 1 सेकेंड के लिए वो पॉज रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कमांड का उसका डिटेल जान सकते हैं। बैक जाते हैं, तो इस तरीके का जब भी आप किसी डाउट में रहेंगे कि इसके लिए कौन सा कमांड है, तो सिंपली आप हेल्प में जाइए और रेफरेंस में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।